हेलो डिफेंस व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम पे। और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन इंग्लिश इन एनडीए। देखिए क्या चीज़ रहता है कि कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि भाई सर स्कोर कितना रखना चाहिए इंग्लिश में, कि मैंने हाँ भाई मेरा स्कोर कितना स्कोर मेरे लिए सेफ रहेगा। तो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एनडीए का जो इंग्लिश का सेक्शन होता है वो 200 का होता है। तो आप सभी लोग कहेंगे सर 150 प्लस लाएंगे तो फिर तो अकेले इसमें हो जाएगा, बट राइट नाउ मेरे ओपिनियन में इंग्लिश का जो आपका सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग इस पे स्कोर अच्छा कर सकते हैं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सर मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं इतना स्कोर कैसे कर पाऊंगा। तो मैं दो तरीकों में बता देता हूँ, इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, या फिर एक गुड और एवरेज का मिक्स कर देता हूँ, एक इंग्लिश में पुअर वाला कर लूंगा मैं। ठीक है, पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ इफ़ यू आर पुअर इन इंग्लिश तो आप लोग क्या चीज़ प्रिपेयर करेंगे कि आपका स्कोर इस बार अच्छा हो जाए, 150 के अप्रोक्स या 150 प्लस जाए। ये चीज़ कैसे, अब सेक्शन आप लोगों ने देखने कि भाई मेरा एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीटेशन होते हैं, जिनका रिपीटेशन होता रहता है। कुछ ऐसे जैसे ऑप्शन में आते हैं, जैसे पिछली बार 2019 में एक क्वेश्चन आया, उसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 2020 में कभी कभी क्या होता है, उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन का अगली बार मीनिंग पूछ लिया जाता है, यानी एंटोनिम पूछ लिया जाता है या फिर सिनोनिम पूछ लिया जाता है। कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि हर वर्ड, यानी प्रीवियस ईयर जितने भी आपके पेपर्स हैं आप सबको देखिए सारे, यानी आप मान के चलिए आपके पास 20 के आसपास वोकैब्स रहेंगी वहाँ पे। तो आप लोग क्या करेंगे उसमें ऑप्शन, हर किसी में चार चार ऑप्शन रहते हैं, पहली चीज़ उसका सेम मीनिंग वाला भी होगा, तो आप एक उससे कम से कम दो नए वर्ड तो सीखेंगे दो या तीन नए वर्ड। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के जो, तो आप 50 सीख जा रहे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर से। ऐसे अगर आप 10 क्वेश्चन पेपर करते हैं तो 500 आपको वर्ड्स पता चल पाए, और सब कोरिलेटिंग होता है। आप लोग देखेंगे ना कि हाँ भाई हर बार सिनोनिम्स में क्या आता है कि भाई चार ऑप्शंस होते हैं, उनमें से दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो सेम मीनिंग होगी, उन दोनों की ही सेम मीनिंग होगी, डेफिनेटली वो तो आंसर होना नहीं है। बाकी बचे दोनों ऑप्शन, उन दोनों का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्या वो अपोजिट है, क्या चीज़ वो सेम है। बहुत बार ऐसा होता है कि तीनों चीज़ सेम होती है और चौथा ऑप्शन थोड़ा सा अलग होता है और वही आंसर आपका होता है। तो वो चीज़ आप लोगों ने ऑप्शन से चूज करना भी आना चाहिए। ये मैंने बात कर ली वोकैब की कि हाँ भाई ये ट्रिक्स वो कहाँ से। अब अगर आपको पढ़ने के लिए कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने फोकस ही करना है कि मैंने स्टडीज पे वोकैब पे ज़्यादा जोड़ दूंगा। कुछ राइट नाउ मैं बोल तो रहा हूँ, ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टिपुलेशन आई हुई, तो नए नए वर्ड्स यहाँ पे इन्वेंट होते, डिस्कवर होते हैं कुछ वर्ड, और कुछ वर्ड आउट होते हैं यानी बाहर आते हैं कुछ नए वर्ड। तो न्यूज़पेपर में देख सकते हैं आप लोग, या फिर कुछ भी आपको जर्नल्स मिल जाए वहाँ पे आपको नए वर्ड्स मिल पाएंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो बहुत सारी आजकल राइट नाउ PDFs अवेलेबल हो जाती हैं, आप मान के चलिए बुक्स हैं जिनमें आपको स्पेशली वोकैब सेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। वोकैब सेक्शन के लिए अब मैं अगर बोलूँ तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा कि जो रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स मेनली जो आपके रूट वर्ड्स होते हैं वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बेटा एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर रूट वर्ड्स अच्छे से कर दिए ना, निकाल लोगे एग्जाम, क्योंकि 20 क्वेश्चन यहाँ अगर ठीक हो जाते हैं ना तुम्हारे, तो 80 नंबर तो ईजिली आ गए, तुम्हारा सेक्शन कट ऑफ तो क्लियर हो जा रहे हैं और स्कोर अच्छा। अब क्या है कि बाकी बचा स्पॉटिंग डायरेक्ट, PQRS, जम्बल वगैरह, साथ में फिलर्स होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस, इसके साथ साथ नॉर्मल आपकी ग्रामर होती है। अगर आपका जो ग्रामर का लेवल है ना वो एकदम नॉर्मल बेसिक सा भी है चलेगा, बट आप लोगों ने क्या फोकस करना है, जहाँ पे एरर्स बनते हैं, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको आप लोगों ने रिवाइज करना है। बुक्स बहुत सारी, SP बख्शी है आपके पास अरियंत की बहुत सारी बुक है, आप प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई लेवल क्या आ रहा है। साथ साथ में मॉक टेस्ट देते रहिए तो उससे क्या होगा कि हाँ आपको लेवल का पता चल पाएगा कि भाई इस बार लेवल कितना है। मॉक टेस्ट अगर दोगे ना तो वहाँ पर जाके आप लोगों के लिए जो भी देखिए डिफिकल्टीज होती है कि यार हड़बड़ाहट की पता नहीं चलता है, पहले कौन सा क्वेश्चन करूँ, ये छोड़ूँ कि इसको रहने दूँ, इसको बाद में करूँ, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बोलते हैं कि सर इसको छोड़ देता हूँ, ये ऑप्शन इसको टिक कर देता हूँ, बाकी इसको लीव आउट कर देता हूँ। कोई आप सीधा छोड़ देता है, कोई बस टिक करके छोड़ देता है, तो टिक कर देता तो आपको लगता है कि मैंने OMR में भी मार्क कर दिया। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि भाई क्वेश्चन मार्क में मतलब क्वेश्चन पेपर में पहले टिक कर, वो आपने नहीं करना है, आप लोगों ने टाइम से करना। देखिए दूसरी चीज़, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, वहाँ पे आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, और वोकैब सेक्शन तो ऐसा है कि आप लोग कितनी भी प्रैक्टिस कर लो मास्टरी आप नहीं कर सकते, बट ये चीज़ है कि अगर रूट वर्ड्स आपको अच्छे से आते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों ने कर रखे हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट डेफिनेटली आपकी ग्रामर अच्छी होनी, तो उसमें आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या है,
आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स करेंगे कि जो आपको बुक है बुक रिवाइज के लिए आपको बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल्स पकड़ने हैं और उससे आपने प्रैक्टिस सेट्स लेते रहने हैं। मॉक टेस्ट आप लेते रहिए, आपको नॉर्मल ग्रामर के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, डेमो टेस्ट ले सकते हैं आप कहीं से भी, ऑनलाइन आजकल प्रैक्टिस सेट्स भी अभी आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल्स वगैरह लोग कहते हैं कि सर ये डाउट्स हैं, आजकल हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं एंड विद द ऑप्शंस यू कैन ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन द एनडीए इंग्लिश एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है ना आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करो, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करते हुए जाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।